करण भमर और माइक सीधा करो, माइक में बोल रहे हैं आप। नहीं मिला प्रॉपर टाइम पर। Thank you.
ये शॉट में आ जाएगा अच्छा खासा। जोर से बोलो रिपोर्टर लोग जोर से बोलो, बात करिए रिपोर्टर लोग। क्राउड पीछे आ जाओ, आगे आ जाओ, क्राउड गाड़ी के पास। रिपोर्टिंग करो, रिपोर्टिंग करो, जोर जोर से रिपोर्टिंग करो, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग बोलो बोलो। कॉलेज एक आरक्षण की लड़ाई के लिए फिल्म है। एक्चुअली आप देख रहे हैं कि इस वक्त इस समय इस पूरे देश के अंदर एक आरक्षण की आग फैली हुई है, चाहे वो जाटों ने हरियाणा के अंदर किया हो या फिर पटेल भाइयों ने अपने गुजरात के। जो आरक्षण इस देश के अंदर है उसे एक हटाने की, नहीं तो सबको बराबर के हक की एक लड़ाई है जो हम लोग लड़ रहे हैं इस मूवी के जरिए। और इसमें मैं हार्दिक पटेल का प्ले कर रहा हूँ पार्ट। हार्दिक पटेल ने जो भी गुजरात के अंदर एक पटेल भाइयों के एक आरक्षण के लिए, एक ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो सारा चीज़ हमने इस मूवी के अंदर लेकर आए हैं और वो दिखा रहे हैं कि एक ये पर्टिकुलर एक किसी ये सब के लिए है। मतलब कि आज आप देखते हैं कि एक एजुकेशन लेने के बाद स्टूडेंट्स हों या कोई कोई भी व्यक्ति हो, वो आरक्षण की किसी ना किसी रूप से लड़ ही रहा है, परेशानी हो ही रही है उसको। तो बस एक उस लड़ाई के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है जो इस मूवी के अंदर एक अलग अलग तरीके से उसको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से एक नौजवान बंदा जो एक अपनी अच्छी पढ़ाई होने के बावजूद भी उसे नौकरियां नहीं मिल पाती है और एक समाज के अंदर उसको नौकरी नहीं मिलने से कितनी परेशानियाँ होती है, तो वो चीज़ हम सब बता रहे हैं इस फिल्म में। जहाँ तक आज की बात है, जो आज शूट नजर आया है, कुछ शायद क्लाइमेक्स सीन है फिल्म का। ये क्लाइमेक्स नहीं है, ये इंटरवल सीन है। मैं ये जानना चाहता हूँ इस सीन में कुछ लोग आपको पकड़ के ले जा रहे हैं, आपको काफी ब्लड वगैरह लगा हुआ है, क्या है ये सीक्वेंस? ये सीक्वेंस बड़ा खतरनाक सीक्वेंस है। एक्चुअली क्या होता है कि सीक्वेंस के अंदर मेरा जो दोस्त है अजय, वो कुछ ऐसे सबूत लेकर आता है जो एक आरटीआई है जिनसे जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किए हैं एक परीक्षा के अंदर, और जो सी कैटेगरी के लोग थे, सी ग्रेड मार्क्स लेकर आए थे, उन लोगों को नौकरियां मिल चुकी है और ए ग्रेड मार्क्स लाने वालों को नौकरी नहीं मिली है। तो वही कुछ ऐसे सबूत हैं जो एक हर्षद पटेल जाकर लोगों के सामने, प्रेस के सामने रखना चाहता है और उसका दोस्त लेकर आ रहा है। तो ऐसे सबूत लोगों के सामने ना आए इसलिए उस अजय की हत्या कर दी गई है और उसी हत्या के लिए मैं अनशन पर बैठा हूँ कि जब तक उन हथियारों का पता नहीं लगेगा मैं यहाँ से खेलूंगा। इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए हार्दिक पटेल को प्ले करने के लिए आपने क्या तैयारियाँ की या कोई खास प्रिपरेशन दैट यू लाइक टू शेयर? हार्दिक पटेल को प्ले करने के लिए सबसे बड़ा, जब ये रोल मुझे ऑफर हुआ तो एक हार्दिक पटेल के बारे में मैंने काफ़ी सुना था, न्यूज़ में देखा भी था, वो जितने एग्रेसिव हैं उतना एग्रेसिव, कई बार क्या चीज़ें होती है कि इंसान के एग्रेसिव जो नेस होती है वो लोगों को दिखती है लेकिन उसके अंदर एक सीधा इंसान भी होता है, वो बहुत कम लोगों को दिखाई देता है। तो हार्दिक पटेल जब मैं प्ले कर रहा था तो मैंने हार्दिक पटेल के बारे में जाना, उनके यूट्यूब्स के ऊपर वीडियो क्लिप्स देखे, उनके जो लोग परिचित हैं उनसे मैं मिला, उनके बारे में मैंने जाना और उनके बारे में समझा कि एक्चुअली हार्दिक पटेल किस लड़ाई के लिए लड़ रहा है। उस चीज़ को मैं अपने अंदर लेकर आया, उस चीज़ को समझा और धीरे धीरे उसको समझ कर एक ऐसा कैरेक्टर डेवलप हुआ मुझे कि जो बहुत ज़्यादा सिमिलर है हार्दिक पटेल से। सर, आजकल बायोपिक मूवी बहुत लोग बना रहे हैं जैसे कि क्रिकेट स्पेस, जैसे कि सचिन और धोनी और अजहर, तो अगर आपको ऐसी मूवी मिले तो आप क्या करना चाहेंगे?
मैं ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि एक बायोपिक उन्हीं की बनती है जो लेजेंड है। और जैसे आपने एग्जांपल दिया धोनी सचिन, भाग मिल्खा भाग बनी थी, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होगा मेरे लिए कि ऐसे किसी महान पुरुष की बायोपिक में मुझे काम करने का मौका मिले, तो मैं उसे बहुत बड़ा सौभाग्य मानूंगा। तो अभी आईपीएल भी चल रहा है, तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? एक्चुअली आईपीएल के अंदर मेरी पर्टिकुलर टीम तो मेरे को वैसे मुंबई इंडियंस पसंद है, और मैं एक राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान रॉयल्स तो इस बार खेल नहीं रही है, लेकिन मुंबई इंडियंस के अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं, और विराट कोहली मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं, तो मैं उनकी टीम को देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। किसको जवाब दूं मैं? ओके, जी पटेल रिजर्वेशन के ऊपर आधारित है फिल्म, आप क्या प्ले कर रहे हैं इसमें? देखिए, पटेल रिजर्वेशन के ऊपर जो फिल्म है, इस फिल्म का जो किरदार है हार्दिक पटेल, जो कि रियल लाइफ कैरेक्टर है, उसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला एक इंसान था जिसका नाम था लालजी भाई, जो कि उसका मेंटोर था, उसका मार्गदर्शक था, जिसने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी आवाज़ उठाने का, और उसको थोड़ा सा पॉलिटिकली मोटिवेट भी किया। तो मैं उन लालजी भाई जी का रोल कर रहा हूँ। ज़्यादातर फिल्में नेगेटिव शेड करते हैं और एक अलग किस्म का किरदार होता है सनाव सरदार जैसे फिल्मों में भी, जी जी अलग शेड दिखाई देते हैं, क्या वो सारे शेड्स इस फिल्म में भी नज़र आएंगे? देखिए, इस फिल्म में वो वाले शेड शायद नहीं नज़र आए, क्योंकि ये एक रियल लाइफ कैरेक्टर पर आधारित है, तो जैसे वो लालजी भाई हैं, जिस किस्म के वो हैं, मैंने उनकी छवि को किसी न किसी तरह पर्दे पे उतारने की कोशिश की है अपने अभिनय के जरिए। अंकित भारद्वाज एक नई शख्सियत है, नया बच्चा है, जी जी जी, बहुत सारी चीज़ें अभी वो कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं, काम करने का क्या एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा है जी, बहुत हम्बल लड़का है, बहुत डाउन टू अर्थ है, सीखने के लिए हमेशा राजी रहता है, सीखता है, बहुत इज्जत देता है, बहुत इज्जत करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत ही वार्म है, और ऐसा लगता है बहुत ही अच्छी तरह से पाला पोसा, बड़ा किया गया, एक अच्छे घराने का लड़का जो होता है वैसा है वो। फिल्म की अब तक की अगर बात की जाए तो कहाँ कहाँ शूट की गई और क्या स्टेटस है फिल्म के फिलहाल? देखिए, ये जो फिल्म है, हमने ज़्यादातर ये फिल्म बड़ौदा में शूट की है, इस वक्त जो हम शूटिंग कर रहे हैं बम्बई में, ये यहाँ पर इस फिल्म का पैच वर्क चल रहा है, पर 90% फिल्म जो है वो बड़ौदा में शूट हो चुकी है, गुजरात में और गुजरात के हिस्सों में शूट हुई है, जहाँ पर कि हार्दिक पटेल की पूरी गाथा जो है घटी गई थी, तो मोस्टली गुजरात में ही हुई है। बिल्कुल जी, इससे जुड़ा हुआ रिजर्वेशन आरक्षण, कई लोग कई अलग अलग आंदोलन देखने को मिले, जाटों का आरक्षण देखने को मिला, पटेल का आरक्षण देखने को मिला, आपकी अगर अपनी पर्सनल राय में पूछूं तो क्या आपको लगता है कि सच में आरक्षण की जरूरत है और किसे मिलना चाहिए? देखिए, जब तक ये हमारे देश में आरक्षण था चंद उन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, एक ज़माने में जब 5% था, तब तक ठीक था। अब हर कोई अगर अपने आप को कहेगा कि मैं अंडर प्रिविलेज्ड हूँ, मुझे आरक्षण चाहिए, मुझे रिजर्वेशन चाहिए, तो फिर तो सारे ही किसी न किसी वजह से अपने आप को अंडर प्रिविलेज कह सकते हैं। हम आम आदमी हैं इस देश के, हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उस प्रॉब्लम को लेके ये कहें कि भाई हमको रिजर्वेशन चाहिए, तो फिर वो तो गलत बात है। और अगर इतना ज़्यादा आरक्षण कर देंगे, इतना ज़्यादा रिजर्वेशन कर देंगे, तो जो कैंडिडेट्स हैं, जो डिज़र्विंग हैं, अब आप सोचें, चलिए आप तो बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की, आप डॉक्टर की भी सोचें, अगर आपने एज अ डॉक्टर किसी आरक्षण के चक्कर में किसी को ले लिया और उसको काम नहीं आता हो, तो वो तो मार देगा किसी को। इसी तरह अगर कोई पायलट है जिसको आरक्षण में ले लिया गया, उसको जहाज़ में बिठा दिया, अभी हाल ही में 3-4 साल पहले कम से कम 5,000 पायलट ऐसे पाए गए थे जिनका लाइसेंस फेक थे, तो अगर ऐसा होने लगा तो फिर तो आप एक दूसरे की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, गलत चीज़ है। हो गया, आप लोग फिल्म शूट कर रहे हैं यहाँ पे हफ से, क्या कहानी है फिल्म की, मैं डायरेक्टर साहब से जानना चाहता हूँ, और क्या स्टार्स में नज़र आ रहा है? ये कहानी रिजर्वेशन के ऊपर है, जो कि मुद्दा हार्दिक पटेल ने उठाया था। एक मिनट कट लीजिए सर, पटेल रिजर्वेशन पर आप फिल्म बना रहे हैं, आपसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने क्यों आपने सोचा कि इस फिल्म को प्रोड्यूस करना चाहिए या फिर इसमें ज़रूरत है ऐसे कुछ? इसमें खास बात यही है कि अभी जो गुजरात में हार्दिक वाला मुद्दा, अनामत वाला, आरक्षण वाला चल रहा है, तो मैं और मेरी टीम मिलके सब ऐसा लगा कि अभी एक मैसेज देना है, क्योंकि आरक्षण ये सिस्टम के खिलाफ है, ना तो हम हार्दिक पटेल के खिलाफ है, ना तो हम सरकार के खिलाफ है, कि हम पूरा सिस्टम के खिलाफ है, कि सिस्टम
रॉन्ग है, ऐसा हमें दिखाया और मैसेज भी दिया है कि अगर अनामत हट जाए तो ये देश को पूरा फायदा है, क्योंकि 90% वाले लोग घूम रहे हैं और 60% वाले नौकरी कर रहे हैं। जब इस फिल्म की बात हुई होगी, पटेल के साथ साथ दूसरे भी गुजरों का आरक्षण हुआ, बाकी लोगों का भी आरक्षण होता रहता है, विषय के तौर पर इसका चुनाव क्यों? जाट आरक्षण पे भी हो सकता था, जाट पे भी हो सकता था, क्योंकि ये गुजरात से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये बहुत सब्जेक्ट गुजरात का हमारे पास लेके आए, इसलिए इस सब्जेक्ट पे हमने सोचा कि नहीं, मुद्दा सही है, क्योंकि आरक्षण एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसको ख़त्म किया जाए तो भी प्रॉब्लम है और उसको लागू किया जाए तो भी प्रॉब्लम है, इसको बहुत ही सुलझे हुए ढंग से उसको सुलझाना है। ये मुद्दा जो है, आरक्षण की ज़रूरत उनको है जिनको आर्थिक लेवल पे या आर्थिक क्या कमज़ोर है, आरक्षण उनको मिलना चाहिए, आरक्षण ना कि जो पैसे वाले हैं, जो आजकल क्या हो गया कि आरक्षण जो पैसे वाला है तो जाति के नाम से आरक्षण ले रहा है, जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी आरक्षण ले रहा है, लेकिन जिनको ज़रूरत है उनको आरक्षण नहीं पहुंच पा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जो छोटी जाति का है जिनको जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है, जिनको आरक्षण मिलता है उनको, उनके पास भी अच्छे पैसे वाले हैं, लेकिन जो लोग जिनको आरक्षण लागू नहीं होता उनके ऊपर, वो भी बहुत आर्थिक हालात उनके बहुत कमज़ोर हैं, तो ये जो रिजर्वेशन वाला जो मुद्दा है इसके ऊपर पुनः विचार करना चाहिए, अच्छी तरह सोचना चाहिए कि आरक्षण किस हिसाब से लागू हो। सर, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये फिल्म आरक्षण पर है या फिर हार्दिक पटेल की बायोपिक जैसी कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हार्दिक पटेल एक मुद्दा लेके चले थे, वहाँ से हमें इसका एक थिन लाइन मिला, ये हमारी जो है ये टोटली रिजर्वेशन के ऊपर है, और हम लोगों ने दिखाया है कि रिजर्वेशन होने के बाद क्या प्रॉब्लम्स हैं, और रिजर्वेशन का फ़ायदा हो सकता है, फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा। फिल्म सर कहाँ कहाँ आप लोगों ने शूट की और कितनी प्रतिशत पिक्चर अब तक पूरी हो चुकी है? ये फिल्म हमने वडोदरा में शूट की है, गुजरात में, और कुछ बैलेंस काम जो था वो हम लोग मुंबई में कर रहे हैं, और फिल्म अभी तक 90% शूट हो चुकी है, 10% बाकी है, जो कि हमारा शेड्यूल शुरू है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सर, फिल्म कब तक दर्शक सिनेमाघरों में देख पाएंगे? कोशिश तो है हमारी कि जल्द से जल्द सिनेमा हॉल में आए, देखते हैं, मे भी मतलब 1 या 1.5 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा, जल्द ही फिल्म।